अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हनूर सुबह बरवक़्त टीवी के साथ और पेश है आज की ताज़ा हेडलाइंस। हकीकत पसंदाना मशीन पर मबनी तरबियत मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है आर्मी चीफ। इमरान खान को बड़ा रिलीफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारिफ केस में जेल ट्रायल 29 अगस्त का नोटिफिकेशन काले दम करार दिया। पाकिस्तान में अमन का दाई है, हमसाय ममालिक से बरदाना ताल्लुकात के ख्वाहा है वज़ीर आज़म। सिक्योरिटी फोर्स का जुनूबी वज़ीरिस्तान का DI खान में इटली बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। अवाम ने PTI और महंगाई लीग का चेहरा देख लिया, शेर तो आखिर बिन्ना निकला, बिलावल भुट्टो जरदारी। नवाज शरीफ के अलजीज़िया A1 फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत फी तक मुलतवी। गुरबत, बेरोज़गारी और इंतहा पसंदी ने बलूचिस्तान के आवाम की ज़िंदगी अजबरन बना दिया, डॉक्टर मालिक। तंदूरी मालिकान DC क्वेटा के दरमियान मुजाकरात कामयाब, हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल के हल पर यकीन रखती है, सरबुलंदी चौकसी। सीट इजलास सेंटर मंजूर काकड़ बलूचिस्तान में कबायली सरदार के घर पर FC के छापे की मजम्मत। जो बातें खबर मानिकाने की है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था, नवाज शरीफ। मुशरफ पांसी केस खसूसी अदालत का फैसला बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी,